गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, वेलकम टू वेस्टिज वीकली ई नॉलेज बाइट्स सेशन नंबर 74, जिसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कीप योर बीपी अंडर चेक विद वेस्टिज एलार्जिनिन। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। अभी आने वाली 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है जिसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से बहुत हाई रहता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और जिसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, पर्टिकुलरली इन इंडिया के अंदर, तो ऐसा डेटा बताता है कि 1 in 5 यंग अडल्ट्स इन इंडिया हैज़ हाई ब्लड प्रेशर। ये बहुत डराने वाला डेटा है, जो कि कहता है कि 5 में से 1 यंग अडल्ट इंडिया के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको और बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके साथ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, एंड इफ एनीबॉडी इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज इट। नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ये बहुत ही एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। जो ब्लड वेसल्स के अंदर सेल्स हैं वो इसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड इसका जो फंक्शन है बॉडी में वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है। ये क्लॉट्स को प्रिवेंट करता है, प्लेग को बनने से रोकता है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। अब ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को हैम्पर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, टोबैको का कंजम्पशन करते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आपकी डाइट के अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें हैं, या फिर और कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जैसे कि डायबिटीज, तब इन सारी कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। और जब वो कम होगा तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमेशा कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगी और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा हाई रहेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का सीधा सा काम होता है आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करना, ताकि ब्लड आसानी से फ्लो कर सके और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे। आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड एडिक्वेट क्वांटिटी में रहे उसमें आपकी मदद कर सकता है वेस्टिज एलार्जिनिन सैशे। एलार्जिनिन इज द प्रिकर्सर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर होता है एलार्जिनिन। तो वेस्टिज एलार्जिनिन एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो एक बहुत ही ग्रेट टेस्ट के साथ आता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर सिर्फ एलार्जिनिन नहीं है, उसके साथ साथ विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, लाइकोपीन, रिस्वेराट्रॉल एंड बीट जूस, विटामिन K2 एंड विटामिन D3 भी है। तो ये एक ओवरऑल बहुत ही अच्छी फॉर्मुलेशन है जो आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी मदद कर सकती है। एलार्जिनिन के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अगर हम फॉलिक एसिड, विटामिन B6 एंड B12 की बात करें, तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। लाइकोपीन का जो आपकी हार्ट हेल्थ के ऊपर जो बेनिफिट है, जो बेनिफिशियल इफेक्ट है, वो है बाय बूस्टिंग बॉडीज नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। तो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज लाइकोपीन की है वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती है। इसके साथ साथ ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट जो है, रिस्वेराट्रॉल जो है, बीट जूस जो है, इसके अंदर भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए अच्छे हैं। बीट जूस के अंदर भी जो है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, जैसा कि हमने बात करी। विटामिन K2 जो है वो कैल्शियम जो है आपकी बॉडी के अंदर और जो आर्टरीज के अंदर है उसकी एडिक्वेट क्वांटिटी रहे उसमें मदद करता है। विटामिन D3 भी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के अंदर मदद करता है और जो आपकी बॉडी के अंदर जो नर्व्स हैं उनके काम करने में मदद करता है। अगर हम सारे बेनिफिट्स की बात करें वेस्टिज एलार्जिनिन के, तो ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर की जो एजिंग हो रही है, जो प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको का कंजम्पशन करते हैं, उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है, बिकॉज ये ब्लड सर्कुलेशन जो है बॉडी के अंदर बढ़ाता है।
आपकी फिटनेस और इंड्योरेंस को भी इम्प्रूव करता है, इसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी होते हैं, और ये जो आपकी बॉडी में कुछ क्रॉनिक पेन्स होते होंगे उसको कम करने में भी मदद करता है। तो ओवरऑल वेस्टीज एलार्जिनिन के बहुत हेल्दी इफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर, ये बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद कर रहा है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो एक सैशे को आपको दिन में एक बार कंज्यूम करना है इन 200 ml ऑफ वाटर। इट इज फ्रीली अवेलेबल इन ऑल अवर ब्रांचेस, TLCP, मिनी TLCP एंड ऑनलाइन एट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ऑफ 1320 रुपीज। तो आज से ही वेस्टीज एलार्जिनिन के जो बेनिफिशियल इफेक्ट हैं स्पेशली आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, इसे कंज्यूम करना स्टार्ट करें और आप एक हेल्दी हार्ट जो है अपनी बॉडी के अंदर प्रमोट करें। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हर घर स्वस्थ विद वेस्टीज। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।